सुबह से बोल रहे तो रहे तो मेरा दोस्त आ गया देहरादून सर, आज हम शाम को जा रहे हैं घूमने इतने दिनों बाद, और हम जा रहे हैं और हम पहले यहाँ इन्होंने डिसाइड किया खेलने का। खैर यहाँ तुमने खेला नहीं। आइए तुम खेल रहे हो ना यार, उनके साथ जा रहा हूँ। और मैंने इस भाई को मना कर दिया और फिर हमने यहाँ खेला। ज़्यादा शूट तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि आदत है नहीं, तो हमने खेलने पर मस्ती करने में ज़्यादा ध्यान था। वैसे मुझे स्वाति और अदिति भी मिले थे, उनका भी शूट। हम पानी पीने राम मंदिर भी गए थे, कमलेश भाई भी मिला था। क्रिकेट खेलने के बाद मैं आज बहुत थक गया था, एक महीने बाद खेला। और बहुत सारी तेल की चीज़ खाने के बाद हम थोड़ा वर्कआउट करने आ गए, और यहाँ पे हमें छोटा सा गाय का बच्चा मिला, बहुत फुतर कर रहा था प्यारा सा। तो मेरे दोस्त ने कब क्रिकेट खेल लिया, अब थोड़ा सा अपनी करतब दिखाओ। मैंने सोचा मसल अप मारते हैं, और ये मैं 2 महीने बाद मसल अप, और वो भी सिर्फ 3 या फिर 4 मारे मैंने। और ज़्यादा व्लॉग तो मैं कर नहीं पाया, वो दोनों मेरी मज़े मज़े में ध्यान ही नहीं रहता कि शूट भी करना है, शूट करना भूल ही जाते हैं। और फिर आम वाले भाई के साथ थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद हम 100 रुपये में 2 किलो आम ले ही आए और 2 टी-शर्ट्स। हमने सोचा अब खेल भी लिया तो अब शाम को थोड़ा लुफ्त उठाया जाए गाड़ी का, थोड़ा हार्ड चलते हैं, मार्केट चलते हैं और थोड़ा शॉपिंग करते हैं। और हमने ये 2 आम की थैलियाँ, एक भाई ने खा लिया, एक अंकल जी ने मुझे ऐसे ही दे दिया था खाने के लिए आम। तो फिर उसके बाद हम जा रहे हैं अब अंडे लेने, उसके बाद हम सीधा घर चलते हैं। अगली बार सोचूंगा थोड़ा ज़्यादा ब्लॉग करने का, आज के लिए इतना ही। बाय।